हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैंने मंगाया है बोया M1 माइक और एक ट्राइपॉड। तो आज की वीडियो इन दोनों के बारे में होने वाली है, तो फटाफट से इन दोनों का अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरा बोया M1 का माइक, तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में, इसका कुछ इस तरीके का पैकेट है ये। तो यहाँ पर लिखा है बोया और इस पर लिखा है लेवलर माइक्रोफोन। तो ये इस तरीके का होता है कुछ बोया M1। तो इसका मॉडल नंबर है BY M1। तो इस साइड भी BY M1 लिखा है, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, यहाँ पर बोया का लोगो दिया गया है। और इस साइड इसके कुछ फीचर्स दिए गए, इस साइड इसके पूरे फीचर्स के बारे में लिखा गया है, ये देख सकते हैं। इसमें DSLR में भी यूज़ कर सकते हो, इसको माइक्रोफोन में भी यूज़ कर सकते हो, इसे PC में भी यूज़ कर सकते हो आप। सो गाइस, फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो दिखाते हैं इसको खोल के। गाइस, ये इसकी पैकेट और ये रहा इसकी मैनुअल बुक, इसके डिटेल्स दी गई है इस बुक में, तो इस बुक को रखते हैं अभी साइड। और ये रहा इसकी पैकेज। तो यार, इसकी पैकेज ना पूरी लेदर की पैकेट है, तो काफ़ी अच्छी पैकेट में दिया गया है इसको। इस पर भी बोया का लोगो लिखा है, तो इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना बोया का माइक। तो यार, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है, और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इसकी काफ़ी लंबी वायर है। रहा इसका माइक, तो इस पर भी बोया का लोगो दिया गया है। गाइज, ये रहा इसका स्विच, ये इसका स्विच है। अगर आपको कैमरा पे ये माइक यूज़ करना है, तो आप इसको कैमरा मोड पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हो, तो इसको आप स्मार्टफोन में नीचे कर देना, इस स्विच को नीचे कर देना, स्मार्टफोन में लग जाएगा। तो इसके साथ एक बड़ा जैक और मिला है, तो ये इसका माइक है और ये इसका जैक है। सो और इसके साथ मिला है हमें एक ये इसकी बैटरी, जो इसमें इंसर्ट होगा। और ये रही इसकी क्लिप, ये रहा इसका कैप, जो इसका प्रोटेक्टर है, इसको ये इसमें अटैच होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो फटाफट से इसके बारे में बताते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इस बैटरी को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इस बैटरी को करते हैं इसमें इंसर्ट, तो कुछ इस तरीके से इंसर्ट होगा ये। तो इस बैटरी को हम यहाँ इंसर्ट करेंगे, तो ये लगेगा इसमें, और इसकी कैप ऊपर से लगा देंगे, तो ये हमारा, ये पूरा हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप अपने लैपटॉप में, अपने PC में, और कैमरा और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा यार ये माइक। तो फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं आप लोगों की इसकी वॉइस क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, इस माइक की जो सबसे अच्छी बात है, तो इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन को दिया गया है, जो कि आप जब चाहे आप मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बाहर की नॉइज़ इसमें आती नहीं। आप जो रिकॉर्ड करोगे, आप जो अपनी वॉइस करोगे, वही वॉइस ये क्लियर देता है। मतलब इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है ये। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस माइक को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर 100 में से 90% यूट्यूबर इसी माइक को यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक है ये। तो फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने ये मंगाया था ट्राईपोड, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्राईपोड भी है और विद ये सेल्फी स्टिक भी है, तो आप इसको खोल के ट्राईपोड भी बना सकते हो और इसको पूरा ओपन करके इसको सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहली बात, आप लोग अभी वॉइस चेक करो कि किस तरीके की क्वालिटी की किस तरीके की वॉइस क्वालिटी आ रही है, क्योंकि अभी मैं जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है बोया M1 माइक से। सो गाइस, फाइनली इसको अब अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले इसके अंदर एक छोटी सी केबल निकली, जो इसको चार्ज करने के लिए है, और दूसरा ये रहा हमारा ट्राईपोड विद सेल्फी स्टिक। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक में है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। सो इसको ओपन करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से ओपन हो जाता है कुछ। तो ये रहा ये पूरा अपना ट्राईपोड। सो यहाँ पे हम अपना फ़ोन माउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना फ़ोन माउंट करने के लिए, यहाँ पे हम अपना फ़ोन माउंट करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि इसमें एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए सिस्टम दिया गया है, जो इस तरीके से ओपन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें छोटी सी बैटरी लगती है और इसके अंदर ब्लूटूथ सिस्टम है। सो फ्रेंड्स, इसमें हम ब्लूटूथ कनेक्ट करके और अपना वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर सेल्फी स्टिक के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं,
और एक ट्राईपोड भी बन जाता है। तो इसको वापस यहाँ इंसर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो चुका है इंसर्ट, और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहा, इसमें एक छोटी सी एलईडी दी गई है जो इस तरीके से ओपन होती है, ये दो पॉइंट में ओपन होती है, एक आप देख सकते हो इसमें थोड़ा लो लाइट जल रही है और दूसरे बटन प्रेस करके इसमें हाई लाइट जल रही है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और इसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी है जो नाइट में यूज़ कर, जैसे आप नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये आप इसको पूरा खोल के, ये रहा, आप इसको पूरा खोल के सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये पूरा स्टील में आता है, तो अच्छा यार गाइस, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसको मंगाया था। सो फ्रेंड्स इसको नीचे से खोल के, इसके होल्डर को खोल के आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, तो आप इसमें फ़ोन माउंट करके आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स देखो, आप लोग इसको इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हो, यार काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही है। और इसका सबसे अच्छी बात कि इसमें हाथ में पकड़ने के लिए काफ़ी मतलब वो दिया गया, स्पेस दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है ये। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है आप लोगों को ये, तो ये एक ट्राईपोड है और इसको सेल्फी स्टिक के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ट्राईपोड ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है मेरे मोबाइल से, ये ट्राईपोड कनेक्ट हो चुका है, तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी ट्राईपोड से। तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, वीडियो भी काफ़ी सही हो रही है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।